तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दो बहुत ही प्यारे प्यारे DIY जिनको मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल उपाध्याय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फन लाइफ विद कोमल। ये तो आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा कि ये क्या है। में जब कंस्ट्रक्शन का काम चला रहता है उसमें वायरिंग की फिटिंग के अंदर ये आता है, वायर इसके ऊपर लिपटी होती है, तो वायर यूज करने के बाद ये एकदम वेस्ट होता है। और ये तो मेरे पास प्लास्टिक का है जो कि मुझे बाद में मिला है। इससे पहले मुझे एक जो MDF का होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और अगर ये सपोज कीजिए इतना है तो वो इतना ऊंचा था, वो मेरे किसी नेबर के घर के बाहर पड़ा हुआ था। जब मैं उसको ले आई तो उनको लगा अब तो ये कुछ ना कुछ इसका बना ही लेगी, तो वापस ले गए। तो उसके बाद मुझे ये मिला, ये हाफ डैमेज है, तो मैं इसको यूज करने के लिए इसके ऊपर MDF का यूज करूंगी। MDF भी मेरा लो क्लास है, ज्यादा अच्छा नहीं है, महंगा नहीं आता। 20 रुपीज का मैंने MDF लिया है, जिसको मैंने इजिली इसके जैसे कट कर लिया है। इजिली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लो क्लास है तो आराम से घर पे ही कट हो जाता है। इसके बाद मैं ले रही हूँ कुछ आइसक्रीम स्टिक्स। तो इन आइसक्रीम स्टिक्स को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट कर लेंगे। आइसक्रीम स्टिक्स को कट करने के बाद मैं इस चक्के को थोड़ा सा सैंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसका सरफेस बहुत ज़्यादा प्लेन है तो ये कलर को अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा। इसके बाद जिस MDF को हमने राउंड शेप में कट किया था उसके ऊपर मैं आइसक्रीम स्टिक्स को स्टिक कर रही हूँ। 4 आइसक्रीम स्टिक्स को मैं खड़ा करके स्टिक करूँगी और 4 को मैं लिटा कर स्टिक करूँगी। आप चाहें तो इन्हें सीधा सीधा भी स्टिक कर सकते हैं, बट मुझे लगा ऐसा स्टिक करने से ज़्यादा अच्छी लगेंगी तो मैं इसी तरीके से स्टिक कर रही हूँ। आइसक्रीम स्टिक्स को पेस्ट करने के बाद साइड्स में जो एक्स्ट्रा आइसक्रीम स्टिक्स बाहर निकली हुई हैं उनको भी मैं कटर से कट कर लूँगी। इसके बाद मैं चॉक पेंट अप्लाई कर रही हूँ। चॉक पेंट को घर पे कैसे बनाते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चॉक पेंट को मैंने डैबर की हेल्प से किया है क्योंकि ब्रश से इसके ऊपर स्ट्रोक्स के मार्क्स आ रहे थे। इसके बाद जो हमारा MDF वाला पार्ट था उसके ऊपर भी मैंने डार्क ब्राउन कलर किया है, और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पानी की क्वांटिटी को रखा है क्योंकि ये जो आइसक्रीम स्टिक्स है ये कलर को बहुत ज़्यादा पी रही थी। इसके बाद ही जो कलर मुझे इनके ऊपर चाहिए वो मैं अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगा, हमारा जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। तो यहाँ पे आप अपने कॉफ़ी टेबल को जो भी लुक देना चाहें या जो भी कलर शेड देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं नेचुरल शेड्स का ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर जो डार्क ब्राउन शेड को मैंने यूज़ किया है उसी को मैंने चक्के के ऊपर भी अप्लाई कर लिया है। सो ये एक्रेलिक कलर हैं तो सूखने में तो टाइम नहीं लेंगे, बट फिर भी मैं कहूँगी कि इनको ड्राई करने के बाद ही अपने हम कॉफ़ी टेबल का जो सरफेस है इसके ऊपर स्टिक करेंगे। स्टिक करने के लिए मैंने फेविकोल का यूज़ किया है, एंड इसकी जो साइड्स बची हैं उसको भी मैंने ब्राउन कलर से ही पेंट कर लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर वॉर्निश अप्लाई करेंगे। यहाँ पर वुड वॉर्निश का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये वॉर्निश सूखने में थोड़ा सा टाइम लेती है बट इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ये एकदम डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट वेस्ट मटेरियल DIY होता है कंप्लीट। तो इसको मैं यूज करूंगी अपने किचन काउंटर टॉप के साइड कॉर्नर में। जो हमारे डेली बेसिस के यूज आने वाली चीजें हैं उनको मैं इसमें रखकर इसका यूज करूंगी। तो आपको आज का फर्स्ट DIY कैसा लगा प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड DIY की तरफ। उसके लिए मैंने लिया है एक वुडन प्लैंक, ये टोटली वुड का है, और इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ चॉक पेंट। एक्चुअली जो बैग के अंदर ये प्लाई का टुकड़ा आता है ये वही है। सो वाइट चॉक पेंट मैंने एज ए प्राइमर कोट यूज़ किया है। इसको ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर पिंक चॉक पेंट का यूज़ करूँगी। इसमें आप जो दो बड़े होल देख रहे हैं वो ऑलरेडी इसमें थे, और इसमें 5 होल मैंने किए हैं जिसमें कि मैं नेल फिट करूँगी। अब ये हमारे किचन DIY है तो इसके लिए मैं एक इजी आर्ट का यूज़ कर रही हूँ, एंड उसी आर्ट को यूज़ करके मैं इसके ऊपर कुछ शेप्स बना रही हूँ। वैसे तो आप शेप देखकर समझ ही गए होंगे कि किस तरह का शेप है और क्या मैं इससे बनाने वाली हूँ। तो अभी हम इस शेप को फाइनल लुक देते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर का यूज़ करके, रेड कलर का यूज़ करके मैंने वाटरमेलन स्लाइसेस को बना लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर छोटे छोटे ब्लैक कलर से इसके अंदर डॉट रखूँगी ताकि ये प्रॉपर हमारा वाटरमेलन स्लाइस ही लगे।
इसके बाद मैंने फील किया कि जो इसकी साइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे एम्प्टी फील हो रही थी, तो वहाँ पर भी मैंने रेड कलर से थोड़ा थोड़ा डैब ऐसे डैब डैब कर दिया कलर को। अब मैं वाइट एक्रेलिक कलर से अपने वाटरमेलन स्लाइसेस को फाइनल टच दूंगी एंड इसको ड्राई होने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वार्निश का। वार्निश यहाँ पर मैंने लिया है वाटर बेस्ड, जो कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। अब इसमें जो मैंने 5 छोटे होल किए थे उनमें मैंने इस तरह के हुक का यूज़ किया है। इनमें हम आराम से अपने स्पैचुला, चमचे या फिर कुकर लिड को टंगा सकते हैं। जो 2 बड़े होल थे उनकी हेल्प से हम इसको दीवार में हैंग कर लेंगे एंड लीजिए हमारा सेकंड DIY भी हो गया है कंप्लीट। ऐसे छोटे छोटे DIY हैक्स का यूज़ करके हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड उसको एक ब्यूटीफुल सा लुक दे सकते हैं। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड फिलहाल मैं जा रही हूँ अब अपने मायके, तो वहाँ पर हमारी जो मस्ती होने वाली है हो सकेगा तो आपके साथ शेयर करूँगी, बट मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है बाहर जाकर वीडियो बनाना क्योंकि साल में एक बार ही बच्चों के लिए लॉन्ग ब्रेक आता है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी डिस्टर्बेंस हम अपनी फैमिली के बीच में क्रिएट करें, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो काफ़ी टाइम मेरा वीडियो में ही चला जाता है, फैमिली के साथ एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। बट फिर भी अगर कोई भी वीडियो मैं वहाँ पर शूट करती हूँ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइज, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।